डरा रही तो अभी एक छोटी सी बची तो चलो अब चलते हैं छठ घाट और ये है भुरवा रक्त। आप सभी को अगेन आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। और चलिए चलिए जल्दी जल्दी चलिए, सबसे ज्यादा लेट ये लगा रहे हैं। चलो लेट मम्मी मम्मी फास्टिंग में होगा धरा दिया है। चलो चलो ये भी खुश है मम्मी। चलो चलो ये वाला पंडित चलो। तो हम लोग भुरवा रख के लिए निकल चुके हैं और यहाँ पे सभी लोग तो चलते हैं। अभी वहाँ का ये न्यू वाला ड्रेस कैसा लग रहा है? Hey guys, तो अब बारी है भुरवा रक्त की। तो अभी उगते हुए सूर्य को देख के उसकी पूजा की जाती है, अर्घ दिया जाता है। और अभी जो भी पवनैतिन है ना, अभी जब तक सूर्य भगवान नहीं निकलेंगे तब तक पानी के अंदर वो रहेंगे और प्रणाम किया जाएगा और उनकी आराधना की जाएगी, उनकी पूजा की जाएगी। तो अभी एक छोटी सी बच्ची आई हुई है, ये हमारी बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी सब्सक्राइबर है जो अभी हमसे मिलने आई थी। ये हमारी रिलेटिव ही हैं बट ये लोग बाहर रहते हैं, तो अभी घाट पे आए हुए थे छठ पूजा के टाइम पे। हो गया पूजा, बैठ दो। यहाँ पे मैं मम्मी को अर्घ दिवा रही थी और ये मेरा मम्मी के साथ दूसरा टाइम था जब मैं मम्मी को अर्घ दिवा रही थी और साथ में ये भी थे, पापा जी भी थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था और एकदम पवित्र स्थल था, बहुत ही शांति मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। पे अदरक मूली और हल्दी के जो भी पत्ते हैं वो तोड़ के यहीं पे डाल दिया जा रहा है। ये पापा जी ने बताया कि ये सारा कुछ तोड़ के वहीं पे डाल दो, तो पतिदेव यही कर रहे हैं और मम्मी अर्घ दे रही हैं। जो भी तो ये आस्था का महापर्व, हम बिहार वासियों का सबसे बड़ा पर्व प्यार इमोशन, ये पूजा कंप्लीट हो चुका है और भुरवा अर्घ के साथ इस पूजा की समाप्ति हो चुकी है। फिलहाल अर्घ हम दे चुके हैं सूर्य भगवान को देख के, उगते हुए सूर्य भगवान को देख के, और अब दौरा वापस जाने की बारी है। तभी पापा जी लेके जाएंगे क्योंकि जो लेके आता है उसे वापस लेके जाना होता है। तो फिलहाल अभी कुछ फोटो वगैरह हम लेंगे आराम से। वाला
पूजा समाप्ति के बाद अभी पूजा सभी लोगों से आशीर्वाद ले रही है, जो भी बड़ी आंटी दादी हैं सभी लोगों का आशीर्वाद लिया जाता है पूजा पाठ के बाद। और ये पूजा पाठ के बाद अभी सभी लोग जाएंगे मंदिर में पूजा करके फिर घर वापस जाएंगे। तो देख सकते हैं पूजा वापस आ रही है और मम्मी को थोड़ा सा लेट लगेगा क्योंकि मम्मी गई होगी मंदिर वहाँ पूजा करने के लिए। अच्छा तुम गए नहीं, तुम नहीं गए? हम नहीं, इधर चलाया ना खाना पीना थी, बउआ को भी खिलाना है। हे फैमिली, तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे और मम्मी गई हैं पूजने, मैया जी हैं और वहाँ पे दुर्गा स्थान है वहीं पे मैया जी है तो वहाँ पे पूजा करने गई है मम्मी। तब तक मैं घर पे आ गई हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे पूजा करना ही था और सब्जी बना हुआ है, दाल बना हुआ है तो अभी चावल चढ़ा दे रही हूँ और कुछ पकौड़ों की तैयारी करूँगी। बाकी शिवांश को भी भूख लगी होगी, पापा जी के साथ वो घूम रहा था, वो आएगा तो उसे भी खाना खिला। ये रहा हमारी डिलीशियस सब्जी प्यारी सी। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े के लिए बैंगन, कद्दू, आलू, गोभी सारा कुछ काट लिया है। अब जा रही हूँ बेसन तैयार करने घोल और फिर पकौड़े तले। और मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए, साड़ी पहना हुआ था तो सूट पहन लिया, काफ़ी ज़्यादा भारी भारी सा लग रहा था इस वजह से। और मम्मी अभी तक नहीं आई है, मम्मी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी मंदिर पे, सभी लोग पूजने के लिए भीड़ इकट्ठा होगी ज़्यादा, इस वजह से मम्मी को थोड़ा सा लेट हो जाएगा आने में। तब तक मैं पकौड़े बना देती हूँ, बना दूंगी तो ठंडा हो जाएगा, घोल तैयार करके रख देती हूँ, जब मम्मी आएंगी तब पकौड़े तलेंगे। ठीक है, तो घर पहुँच चुके मम्मी, पूजा पाठ कंप्लीट और अभी मैं पहनने वाला हूँ बद्धी। तो ये बद्धी मैंने पहन लिया और अभी तक प्रसाद मैंने नहीं खाया, चलते हैं प्रसाद खाने। हे फैमिली, तो बैटर भी रेडी हो चुका है और अभी जा रही हूँ पकौड़े तलने, मम्मी भी आ चुकी है नीचे, मम्मी पूजा कर रही हैं। काहे नहीं गए हैं, बताइए घाट पे। अरे हम मोबाइल देखते हैं, क्या रहती है मम्मी? मम्मी ठीक से नहीं उठाई होंगी। तो मैं कभी भी जब भी पकौड़े बनाती हूँ ना या खजूर भी बनाती हूँ, अगर ऊपर वाले किचन में बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ ना कि चम्मच से चलाती हूँ। चम्मच से चलाना ना इजी होता है, पलटने में आसानी होती है। और बड़ा करछुल या छुलनी होता है ना, करछुल से तो नहीं, छुलनी से पलटा जाता है तो उससे पलटने में थोड़ी सी मुश्किल। प्रसाद तन के दिए हैं ना, खाली का वेट करते हैं। दादी को पान भूख लगा लेने खिसियाल है पान। ही गाइस, तो छठ पूजा का तो स्पेशल पारण वाला खाना रेडी हो चुका है। आज नहीं बनाई कढ़ी, दाल बनाई हो? ना, तो यहाँ क्या क्या बना है मम्मी? हमेशा देखते हैं कि गोभी के साथ ये क्या बोलते हैं, ये क्या लगता है? किराव। किराव, किराव का सब्जी क्या है बनता है? हमेशा देख रहे हैं, बचपन से देखते हैं कि पढ़ने के दिन नहीं बनता है। किराव का बनता ही बनता है। तो सुबह सुबह दाल चावल पकौड़े और ये सब्जी रेडी हो चुका है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं ना कि कुछ भी चीज का सब्जी बने बट ये किराव जरूर डलाता है उसमें। 40 घंटे के बाद खाना खा रहे हैं और ये पूरा निर्जला व्रत था, बहुत ही डिफिकल्ट व्रत। हे गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं दादाजी के लिए प्रसाद लेके। तो सारा कुछ हमने रख दिया है, खजूर है और सब्जी है, केले हैं और ये है पकौड़े। खाना पीना हो चुका है, सभी लोगों का खाना पीना हो चुका है, मैंने भी खा लिया
और किचन में थोड़ा बहुत कचरा जो भी इधर उधर गिरा था वो सब चुन चान के साफ कर दिया। बाकी आज तो साफ करना नहीं, झाड़ू ये सब भी नहीं लगाना है। हो गई थी मम्मी को मॉर्निंग में उल्टी भी हुआ था। अब मम्मी ने कुछ खाना तो खाया नहीं था और ना ही पानी पिया था, गला एकदम सूखा, ऊपर से उल्टी, इस वजह से मम्मी कह रही थी कि गला जैसे छिल नहीं जाता है वैसा हो गया है, और एकदम पानी पानी सा उल्टी हुआ था थोड़ा सा मॉर्निंग में ही, जब मैं खाना बना रही थी ना उसी टाइम हुआ था। फिर ज़्यादा गंदा हो चुका है और शायद पता नहीं वन कितने दिनों से बिछा हुआ है, 3-4 दिनों से बिछा है। इस पे जो प्रिंट है ना, इसकी वजह से इनको अच्छा नहीं लगता है, तो ये कल ही बोल रहे थे कि चेंज कर दो, लेकिन कल तो टाइम था नहीं इसलिए अभी चेंज कर दे रही हूँ। और मेरे रूम का हाल देख सकते हैं, कितना बेहाल होया पड़ा रहता है। इधर ये टैडी, अभी इसको तो नीचे रखा है टैडी को बेडशीट चेंज करने के लिए। बस चेंज करती हूँ, थोड़ा बहुत रूम को क्लीन कर देती हूँ। वैसे तो झाड़ू मारना नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा कपड़े से सारा समेट दूंगी कि मतलब बिखरा बिखरा, बाद ये सब साफ करूंगी। टीवी के पास एकदम तनका दर में सांझ हो जाएगा, तो लेकर जा रहा है घूमने अभी अपन दादाजी साथ में। सिर लेके जाइएगा, ले जाइए शीशे, दादाजी के डरा देना जाके, शीशे कर देना, शीशे शीशे शीशे, इधर कुर्सी पे खेलने लगा। जाइए ना बेटा जी दादाजी पास, चलिए पीपी पर घूम। ये गाइस 5 बज चुके हैं और छठ पूजा कंप्लीट हो चुका है, थके हारे बैठे हुए हैं, और रंगोली अभी जस्ट साफ सफाई हुई है तो रंगोली थोड़ी सी मिट सी गई है, थोड़ी क्या पूरी मिट सी गई है। और अभी शिवांश वहाँ जा रहा है घूमने के लिए मम्मी जी के साथ। तो छठ पूजा के बाद का सीन ये था कि प्रसाद वगैरह खाया, 2 टाइम खाना खाया और मस्ती से सोया, क्योंकि 3 बजे उठ गया, 3 बजे से हम लोग जगे हुए थे। और दौरा लेके जाना आना और खाली पैर पूरे मतलब अजीब से दर्द कर रहा था, मतलब इतनी मस्त नींद आई ना खाना पीना खाने के बाद, तो सो गए। अभी 5 बज रहे हैं अप्रॉक्स, तो थोड़ी देर पहले उठे हैं, फ्रेश हो चुके हैं और अभी सोच रहे हैं थोड़ा सा बाजार जाए घूम फिर के। नौटंकी कह ले गई से ये कौन नाटक है बेटा, ये कौन नाटक है, तो किया से लड़ाई कर रहा है, तो किया से लड़ाई कर रहा है, पतंग देगा तकिया को, पतंग देगा